सरकार ने श्रमिक मित्र बनाने का एक बड़ा फैसला लिया है और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। श्रमिकों का एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसका शोषण होता है। कॉपी के नाम पर सुविधा शुल्क मांगा जाता है और श्रमिक मित्र को कमीशन के तौर पर सरकार रखेगी ताकि श्रमिकों का शोषण न हो सके। इसकी प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। यह विचार आज श्रम एवं रोजगार मंत्री नायब सिंह सैनी ने हनुमान वाटिका में अग्रसेन सदन में एक श्रमिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। उसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए नायब सिंह सैनी ने कहा कि भाजपा संसदीय बोर्ड जल्द ही टिकटें घोषित कर देगी। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी थी जिसमें कहा गया था कि प्रदेश में 16 लाख श्रमिक हैं। पहली बार प्रदेश में लेबर चौक पर रजिस्ट्रेशन किया गया था। इंटीरियर निर्माण कार्य में ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन किया गया था ताकि सरकार उन तक सुविधाओं का लाभ पहुंचा सके। राजकुमार सैनी ने कहा कि शुरू से ही फितरत रही है और कि बागी होने की। राजकुमार सैनी ने श्रमिकों को संबोधित करते हुए कार्यक्रम में कहा कि कांग्रेस की सरकार ने 55 साल तक देश में राज करके मजदूरों व गरीबों को लूटा है और उन्हें कुछ भी नहीं दिया, जबकि भाजपा सरकार बनते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मजदूरों एवं गरीब पुरुष और महिलाओं के लिए कई योजनाएं शुरू कर दी, आज जिसका भरपूर लाभ दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं पल पल कैथल से नवीन मल्होत्रा की विशेष रिपोर्ट। देखिए, क्योंकि हमने सरकार के अंदर फैसला किया है, बोर्ड के अंदर ये फैसला किया है और उसकी नोटिफिकेशन भी जारी हो गई है और नोटिफिकेशन जारी होने के बाद तुरंत श्रमिक मित्र वो आ जाएंगे, क्योंकि श्रमिकों का एक बहुत बड़ा शोषण वो होता है और उनसे इसके नाम के ऊपर, कापी के बेनिफिट के नाम के ऊपर उनसे कुछ सुविधा शुल्क मांगा जाता है। तो जो श्रमिक मित्र आएंगे, वो श्रमिक मित्र किसी प्रकार का भी वो सरकार उनको कमीशन के तौर के ऊपर रखेगी और उनको कमीशन देगी अगर किसी को भी वो कोई बेनिफिट दिलवाएंगे, ताकि श्रमिकों का शोषण ना हो, उसको लेकर के ये इसके बाद आ जाएंगे, क्योंकि हमने सारी की सारी इसकी प्रक्रिया पूरी कर ली है और ताकि श्रमिकों का किसी प्रकार का शोषण ना हो। देखिए, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का अधिकार है और जल्दी ही क्योंकि टिकट घोषित हो जाएंगे और अभी तो हमारा ये ध्येय है कि जो भी कमल का फूल लेकर के आएगा उसको जताना है। सभी कार्यकर्ता उसके अंदर लगे हुए हैं, सभी लोग इस में लगे हुए हैं कि जो भी कमल का फूल लेकर के आएगा नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे और यहाँ से कमल का फूल जीत करके जाएगा। अभी पिछले दिनों माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक याचिका लगी थी और उसके अंदर ये कहा गया था कि हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 15-16 लाख श्रमिक हैं और हम उनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने पहली बार हरियाणा के अंदर लेबर चौक के ऊपर हमने रजिस्ट्रेशन किया था, कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर जा करके हमने रजिस्ट्रेशन किया था और हमने जो इंटीरियर में निर्माण कार्य ग्रामीण क्षेत्र के अंदर चल रहे हैं वहाँ पर भी जा करके हमने, हमारे विभाग के अधिकारियों ने, मैं स्वयं भी लेबर चौक के ऊपर और कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर गया था, वहाँ जा करके हमने श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन किया था ताकि सरकार के द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही हैं उन सब का लाभ उन तक पहुँचे, उसको लेकर के लगभग अभी पिछले दिनों देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक और योजना अनऑर्गनाइज सेक्टर के अंदर जो हमारे श्रमिक हैं जो कहीं पर भी रजिस्टर्ड नहीं है उनके लिए अलग से एक बोर्ड बनाया है और उस बोर्ड के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम श्रमिक मानधन योजना वो उन्होंने उसको लॉन्च किया है कि अगर कोई श्रमिक, कोई भी व्यक्ति सीएससी के ऊपर जा करके वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा तो सरकार उस सीएससी वाले को 30 रुपया देगी, श्रमिक को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। और वो अगर 18 साल से लेकर के 40 साल तक की योजना है कि अगर 18 साल के अंदर वो उसमें प्रवेश करता है तो श्रमिक उसके अंदर 55 रुपये डालेगा, 55 रुपये के अंदर सरकार डालेगी और 60 साल के बाद उसको 3000 रुपये महीने की पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। और उसके ऊपर आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कहा कि मई जून तक श्रमिक उसके अंदर डाले, उसके बाद वो पैसा जो श्रमिक को देना होता है वो सारा का सारा पैसा वो हरियाणा सरकार देगी, श्रमिक को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है।
पहली बार है कि सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने, मनोहर लाल जी की सरकार ने जो गरीबों को मजबूती की तरफ ले जाने का काम किया, उस गरीबी के प्रति बड़ी मजबूती से लड़ाई लड़ी जा रही है। 55 वर्ष तक जो कांग्रेस का शासन परिवारवाद का रहा है, उसने तो गरीब व्यक्ति को और गरीब करने का काम किया, उनके लिए योजनाएं नहीं लेकर के आए। पहली बार है कि ये योजना ऐसी ऐसी आई है जिससे कि गरीबी के प्रति लड़ाई लड़ी जा रही है और उनको उसका लाभ पहुंचाया जा रहा है। उसकी फितरत रही है जैसा आपने कहा है कि वह बागी हो गए हैं। चौधरी बंसीलाल जी की सरकार हरियाणा के अंदर जब आई थी उसमें वो राज्य मंत्री थे और क्षेत्र के लोगों ने उसको बहुत चाव से वोट देकर के विधायक बनाया था। लोगों के काम तो क्या करने थे और कहने लगे कि हमारी तो कोई सुनता नहीं, वहाँ से भी बाज गए और वहाँ पर भी इस प्रकार का उन्होंने षड्यंत्र रचा। और उसके बाद वो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने कुरुक्षेत्र से उनको टिकट दिया और यहाँ से भी उनको काम करने का मौका मिला और ऐसे व्यक्तित्व के साथ मिला कि जिसने हिंदुस्तान का नाम पूरे विश्व के अंदर ऊंचा किया है। अगर उसके साथ भी वो मिलकर के काम नहीं कर पाया तो उसका तो रब रखा है, क्योंकि उसने जो एक समाज के अंदर जहर घोलने का काम किया, जातिवाद के नाम के ऊपर जो उसने जहर घोला अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए, भारतीय जनता पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी 36 बरादरी को साथ लेकर के चलती है और इसके अंदर जो सबसे बड़े जिम्मेवार हैं, जो गुनहगार हैं, वो यशपाल मलिक है और वो राजकुमार सैनी है। इन लोगों ने समाज को तोड़ने का काम किया और समाज इनको कभी माफ नहीं करेगा, समाज इनसे के साथ कभी भी ऐसी बातों को बर्दाश्त नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी 36 बरादरी को साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है और उसके अंदर सब समाज को साथ लेकर के विकास की तरफ हमारा ध्येय है कि इस समाज का विकास हो, इस देश का विकास हो, प्रदेश का विकास हो, उसको लेकर के काम करती है।